हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। फ्रेंड्स, आज टेबल ट्रीट्स किचन में बन रही है बूंदी कढ़ी। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज लाऊं जो यम्मी भी हों और बनाने में भी इजी हों। चलिए शुरू करते हैं। सरसों के बीज, कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च और हींग ले लीजिए। एक बड़े बाउल में बेसन ले लीजिए। बेसन को घोलने के लिए बटर मिल्क यानी या तो छाछ ले लीजिए या दही को स्मूदन कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा कर बेसन में डालिए और स्टर कर मिक्स कीजिए। थोड़ा थोड़ा डालने से बेसन का लम्प फ्री मिक्स इजीली बन जाएगा। दही डालते रहें और लगातार साथ साथ चलाते हुए मिक्स करते रहें। आप हैंड विस्क यूज़ कर भी बेसन और दही को मिक्स कर सकते हैं या ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी दही डालते हुए मैंने क्लम्प फ्री मिक्स रेडी कर लिया है। अब बाकी की सारी दही डाल दें और हैंड विस्क से मिक्स कर लें। देखिए, मेरा कर्ड और बेसन का घोल तैयार हो गया है। एक कुकर में एक चम्मच सरसों का तेल गरम करें, फ्लेम लो कर दें और उसमें सभी सूखे मसाले डाल दें। लो फ्लेम पर मसालों को खुशबू आने तक पकने दें। जब मसाले गोल्डन ब्राउन हो जाएं और खुशबू आने लग जाए तो उसमें ऑलमोस्ट एक गिलास पानी डाल दें। इससे दही और बेसन का घोल तले से चिपकेगा नहीं। अब दही और बेसन के घोल को इस पानी में ऐड कर दें। फ्लेम हाई कर दें। यह घोल अभी भी काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए इसमें और पानी ऐड कीजिए। क्योंकि कढ़ी को हमें बॉयल करना होता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है तो इसमें और पानी डलेगा। कंसिस्टेंसी चेक कर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। मैंने पानी ऐड कर लिया है, अब इसे हाई फ्लेम पे बॉयल होने दें। बीच बीच में स्टर करते रहें। फ्रेंड्स, एक टिप बताती हूँ, कढ़ी में पहला उबाल आने से पहले नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी ऐड ना करें। जैसे ही कढ़ी में पहला बॉयल आए तो उसमें सभी स्पाइसेस ऐड कर दें। मैंने कढ़ी में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और अदरक का पाउडर डाला है। बॉयल होने से पहले अगर हम नमक ऐड कर देते हैं तो कढ़ी कई बार फट जाती है। अगर हम पहला उबाल आने के बाद ये मसाले डालेंगे तो कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। स्टर कर मसालों को मिक्स कर लें और कढ़ी को लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट तक बॉयल होने दें। पंजाबी में कढ़ी का मतलब है कड़ना। कढ़ी जितना पकेगी उतनी यम्मी बनेगी। जब जब कढ़ी राइज होने लगे बीच में स्टर कर लें ताकि वह कुकर से बाहर ना निकले। साथ साथ हम करते हैं कढ़ी के तड़के की तैयारी। एक पैन में एक चम्मच बटर लें और उसे पिघलने दें। कढ़ी में 1 टीस्पून गर्म मसाला डाल दें। बटर को सिर्फ पिघलाना है, घी नहीं बनाना, और उसमें कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें और फ्लेम बंद कर दें। देखिए कितना सुंदर कलर आया तड़के का। एक कटोरी मसाला बूंदी लें। उबलती हुई कढ़ी में मसाला बूंदी ऐड कर दें और जो हमने तड़का तैयार किया था वो भी ऐड कर दें। 5 से 7 मिनट कढ़ी को बॉयल होने दें और फिर फ्रेश धनिया डालकर फिनिश करें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। गर्मा गर्म कढ़ी को जीरा राइस और सैलेड के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय।